कैनवास पर हमेशा अपने रंगों को उतारने वाला, आज एक कलम और कागज लेकर बैठा। कैलेंडर की ये तारीख यादगार है मेरे लिए, 30 नवंबर 2015। कैसे भूल सकता हूँ ये दिन, शेरवानी और सहरे में सजकर जब बारात लेकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा था तो ये निगाहें तुम्हें ढूंढने लगी। मेरे स्वागत में निभाई जा रही स्वागती रस्मों को मैं जल्द ही पूरा कर देना चाहता था। खैर, स्वागती रस्मों के बाद तुम्हारा इंतजार होने लगा। हाथ में जयमाला लेकर के जब तुम मंडप की ओर आई तो तुम्हें एकटक देखकर मैंने अपनी निगाहें नीची कर ली थी। सच बताऊं, उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी तुम। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गई और तुम मेरे बगल में बैठकर हमेशा के लिए मेरी होने जा रही। उन रस्मों को निभाते हुए ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे चेहरे की शर्म और खुशी को निहारता हुआ मैं अपना पूरा जीवन इसी मंडप पर बिता दूं, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे यादगार समय था। तो मैं हर रस्म को इतनी शिद्दत से निभाना चाहता था कि इसमें कोई भी कमी ना रह जाए। फिर कुछ देर में विदाई की रस्म शुरू हो गई और तुम्हारी पलकों पे आए हुए आंसू देखकर दिल किया कि मैं भी रोना शुरू कर दूं, मगर मैंने खुद को रोक लिया। वो क्या है ना, तुम पर आंसू जस्ते नहीं है, इसलिए। फिर जब तुमने घर में कदम रखा तो लगा जैसे खुशनसीबी तुम्हारे साथ घर में कदम रख रही है। अगले दिन पार्टी पर तुम्हारे चेहरे में घबराहट देखी थी मैंने, जब डांस के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा था और तुम सहमी हुई सी थी। फिर संगीत की धुन पर तुम्हारे पैरों ने थिरकना शुरू कर दिया तो खुद को रोक नहीं पाया मैं। उस दिन खूब नाचे थे हम पूरे परिवार के साथ। कुछ दिनों बाद जब तुम और मैं समुन्दर की लहरों के किनारे टहल रहे थे तो उस वक्त तुम्हारी आंखों में खुद के लिए भरोसा और प्यार देखा था मैंने। उसी दौरान एक नन्ही सी जिंदगी को आमंत्रित किया था हमने, डब्बू, हाँ यही नाम दिया था ना तुमने। फिर मेरा ब्रश और हमारे सपने एक दूसरे का हाथ थाम कर उस नन्ही सी जान का इंतजार करने लगे। मेरी छुट्टियां पूरी हो चली थी, ड्यूटी पर वापस लौटते वक्त तुम्हारे चेहरे पर मायूसी देखी थी मैंने, जो आंखों से छलकी भी थी शायद, मगर तुमने एक भी पल जताया नहीं। फिर फोन और व्हाट्सएप पर हम बातें किया करते थे। तुम्हें मालूम है, सिर्फ तुम्हारे व्हाट्सएप के मैसेजेस से मेरा व्हाट्सएप भर जाया करता था। सोचो कितनी बातें करी होंगी हमने। इन्हीं बातों के साथ साथ सपने सजाते हुए दीपावली के जगमगाते त्योहार में हमारे घर एक नन्ना दीप जला, रियार्थ। आज 30 नवंबर 2016 है, हमारी शादी की पहली सालगिरह है। रियार्थ को एक महीना हो गया है और हम दोनों को एक साथ पूरा साल। तुम्हारे लिए यही तोहफा है मेरा इस बार, हर जन्म में साथ निभाना ओ मेरे यार, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और अब तुम्हारे लिए कुछ पंक्तियां जो मुखर की लिखी हुई है। अच्छी लगती हो तुम, वजह का पता नहीं बस अच्छी लगती हो तुम, मुस्कुराते हुए किसी बात पे, गुनगुनाते हुए ख्यालात में, सच में जस्ती हो तुम, वजह का पता नहीं बस अच्छी लगती हो तुम। छोटी छोटी बातों पे परेशान होने से, मेरी तारीफ करने से हैरान होने से, थोड़ी बच्ची लगती हो तुम, वजह का पता नहीं बस अच्छी लगती हो तुम। बस इतनी सी थी ये कहानी।